नमस्कार बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन स्टोरी विच गिव्स यू द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस। आई होप दैट यू ऑल नो दैट सैक्रिफाइस इज समथिंग लाइक इट्स बीइंग विलिंग टू गिव अप समथिंग फॉर गुड, फॉर समथिंग बेटर, एंड लाइफ इज फुल ऑफ बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज। But in order to transform a possibility into a reality, we have to choose, you know, the sacrificing many in order to attain the one. Nothing is gained without something relinquished. So here the story is going to teach you something related with this. तो ये जो कहानी है उसका टॉपिक, उसका जो टाइटल है वो है त्याग। प्राचीन काल की बात है। आकाश में काले घने बादल छाए हुए थे। दोपहर में भी अंधकार का एहसास हो रहा था। तेज आंधी और वर्षा चारों तरफ प्रलय मचा रही थी। रह रहकर छोटे छोटे ओले भी पड़ रहे थे। तेज आंधी के कारण जंगल के कमजोर पेड़ उखड़े जा रहे थे। पेड़ों की टहनियां टूट टूट कर जमीन पर गिर रही थी। उसी समय जंगल में एक बहेलिया शिकार के लिए आया। वह इस प्रलयकारी तूफान में फंस गया था। उसके कंधे पर धनुष बाण था। एक डंडे में उसने जाल बांधकर पीठ पर लटका रखा था। उसके हाथ में एक पिंजरा था और उस पिंजरे में एक कबूतरी थी। इस भयंकर तूफान से बचने के लिए वह कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रहा था। उसे कोई ऐसा स्थान दिखाई नहीं दे रहा था जहां वह रुककर अपना बचाव कर सके। अतः अंत में वह घबराकर एक पेड़ के नीचे पहुंचा और चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ कोई है जो मुझको बचाए? हाय, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ। आज तो खाने को भी कुछ नहीं मिला। बचाओ, कोई बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सो हियर इन द फर्स्ट पैरा दे आर टॉकिंग अबाउट द सीन द स्काई वॉज रेंट बाय थंडर एंड लाइटनिंग एंड सून इट स्टार्टेड raining heavenly. So in that there was one bahelia. Bahelia means hunter. So here the hunter, finding himself unable to proceed in the rain, he took shelter under a tree and praying aloud, "Oh Lord, that I'm caught in this terrible thunderstorm, tired, cold and hungry. So please help me and show me a way out of my troubles." So बहुत 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 बुरा फंस गया था। तो वो पेड़ के नीचे आके गिड़गिड़ाता है, यहाँ कोई है जो मुझको बचाए? हाय, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ। आज तो खाने को भी कुछ नहीं मिला। बचाओ, कोई बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो वो यहाँ पर प्लीड करता है और कहता है कि मुझे बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी एंड शो मी अ वे आउट ऑफ माई ट्रबल्स। भला उस जंगल में ऐसे समय में कौन हो सकता था? वहाँ कोई मनुष्य ना था। वह जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर यह सब कह रहा था, उसी पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। वह कबूतर पिंजरे में बंद अपनी प्रिय कबूतरी को देख रहा था और उसके वियोग में तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था। तब कबूतरी पिंजरे में से बोली, प्राणनाथ, यह बहेलिया आज आपका अतिथि है। यह सर्दी में ठिठुर रहा है और भूखा है। इसकी सर्दी दूर कर कुछ खाने का प्रबंध कीजिए। यह ठीक है कि इसने आपकी पत्नी को पिंजरे में बंद कर रखा है, परंतु इस समय यह आपका अतिथि है, इसलिए द्वेष छोड़कर आप अच्छी तरह से इसका अतिथि सत्कार करें। सो नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ ऑन द सेम ट्री द हस्बैंड ऑफ द सेम शी डॉग हु हैड बीन कैप्चर्ड बाय द हंटर वाज सिटिंग watching all this. And the dog was worried about his wife and wondered what to do, and the she-dog felt sad that she was unable to return to him. But she called out to him saying, "My dear husband, please do not grieve so. I have been caught by the hunter who rests under this tree, which is our home, and he is cold and hungry in this thunderstorm and has taken refuge under our home. He is thus like a guest to us, and it is our duty to serve him to the best of our ability. So, इसलिए द्वेष छोड़कर आप अच्छी तरह से इसका अतिथि सत्कार करें। After that, इस मुसीबत में यदि आप द्वेष में
आकर इसकी मदद नहीं करोगे तो इसका पाप आपको लगेगा। कबूतर ने अपनी पत्नी की बात मान ली। उस समय आंधी और वर्षा शांत हो चुकी थी। कबूतर वहां से उड़ा और कहीं से जली हुई लकड़ी अपनी चोंच में पकड़कर ले आया। उसी वृक्ष के नीचे कुछ सूखे पत्ते पड़े थे। कबूतर ने वह जलती हुई लकड़ी उन पत्तों पर गिरा दी। पत्ते जलने लगे। बहेलिया हाथ सेकने लगा। हाथ सेकने से वह अब अपने आप को कुछ ठीक महसूस कर रहा था। So here, filled with emotions, the she dove advised her husband and said that I pray to you to help the poor man. Hearing the words of his wife, the dove wept for her and flew off, returning with a burning piece of twig and putting it on the half-dried leaves under the tree. And at last, the fire was big enough for the hunter to warm himself. And now the hunter was feeling very much better. जब आग खूब तेज हो गई तो कबूतर बोला, हे मेरे अतिथि, घर में आज कुछ भी खाने को नहीं है, केवल यह मेरा तुच्छ शरीर है। मैं चाहता हूँ कि आप इसी को खाकर अपनी भूख मिटाएं। यह कहकर कबूतर अग्नि में कूद पड़ा। So what happened after this? While the hunter is trying to bring some life to his numbed limbs, the dove addressed him again by saying, "Oh hunter, I have tried to give you warmth as best as I could, but I have nothing to offer you as food. I therefore offer myself to you." So before the hunter could say a word, the dove jumped into the fire so that the hunter could eat him. तो क्या हुआ अगला कि कबूतर के इस अनोखे त्याग को देखकर बहेलिए का हृदय पिघल गया। मन में सोचने लगा, ओह, ये पक्षी ही मुझसे अच्छा है जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे सकता है। धिक्कार है मेरे जीवन पर जो मैं इन दीन प्राणियों को पकड़ता हूँ और मारता हूँ। वह ग्लानी से अपने आप को कोस रहा था। ये सोचकर उसने पिंजरे का दरवाजा खोलकर कबूतरी को मुक्त कर दिया। So what happened after this? The hunter was left speechless at the great sacrifice of this bird. He felt disgusted with himself and said, "I'm the lowliest of all creatures on this earth, for I have been on hunting and capturing these creatures, which are kinder and better than I am. From now on, I shall give up this terrible profession." And taking this oath, he set free the she-dog he had in his cage. Kabutri ne socha, pati ke bina ab mera jeevan vyarth hai. पत्नी वही है जो पति के पीछे चले। यह सोचकर वह भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। बहेलिए ने इस दृश्य को देखा तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसके अपने किए कुकर्म उसकी आंखों के सामने आकर उसे दिखाई देने लगे। उसने उसी समय अपने धनुष, बाण, जाल, पिंजरा और डंडा सभी आग में जला दिया। उसने प्रण किया कि मैं अब कभी भी किसी प्राणी को नहीं सताऊंगा। So what happened after this? तो इसके बाद क्या हुआ? The she dog saw the body of her dear husband, who had sacrificed himself performing his duty, and then she thought, of what use is my life without my husband by my side? I do not want to live anymore. And she too jumped into the fire which had consumed her husband. Then, after she stepped into the fire, the hunter was seeing all this. So the hunter saw the sight from afar and repented for his deeds which had separated such a pair. And immersed in his thoughts and unwilling to live such a cursed life, he dropped his bow, arrow, cage and stick into the fire and pledged. तो उसको एक तरीके से बहुत बुरा लग रहा था। At the same time, he burned the bow, arrow, cage and rug in all the fire and vowed that I would not persecute any creature, and he left his earlier work. उसके बाद उसने बहेली का काम छोड़ दिया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन यापन करने लगा। अंत में उसका जीवन इतना बदल गया कि जो जीव कभी उसको देखकर डर से भागते थे, अब वही उसके पास आने में जरा भी नहीं घबराते थे।
कबूतर और कबूतरी ने अपने आदर्श व्यवहार से बहेलिए को एक अच्छा इंसान बना दिया था. So what happened after this? He started living on the path of religion and finally he himself changed so much that those who used to run away from fear after seeing him, now they were not afraid to come to him at all. So, इस तरीके से the dog and she dog brought a good person in him. So there are two things we can learn from this story. First, that sacrifice is the key of key to happiness, and second, that we should never harm any creatures, however small they are. तो ध्यान रखना इन दो बातों का कि त्याग अमूल्य है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसमें से बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी. Now we will meet you in the next session. Till then, take care. God bless.